अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स बिफोर मिस्ड पीरियड। जी हाँ, आपकी पीरियड मिस भी नहीं हुई होगी और आपको ऐसे कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे जिससे आप ये श्योर हो सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है और आप जो है प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं डिटेल में, इसके लिए पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। तो आपकी प्रेगनेंसी कैसे रुकती है? जब आप ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन बनाते हो तो एक हेल्दी स्पर्म आपके अंडे तक पहुंचता है, उसे फर्टाइल करता है, फिर फिलोपियन ट्यूब के द्वारा वो जो है आपके यूट्रस के लाइन में आके चिपकता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब आपकी जो है प्रेगनेंसी की सिम्टम्स इम्प्लांटेशन से ही स्टार्ट होता है। जी हाँ, जब आपका जो है अंडा यूट्रस के लाइन में आके चिपकने की कोशिश करता है, वहां पे इम्प्लांट होने की कोशिश करता है, उसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब वो इम्प्लांट होने की कोशिश करता है वहां पे, तो जो है यूट्रस के लाइन में चिपकने की के वक्त वो जो है उस जगह को कुरेदने लग जाता है। जब वो उस जगह को कुरेदने लग जाता है तभी जो है आपको क्रैम्स आते हैं, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन क्रैम्स। तो इम्प्लांटेशन क्रैम जो है आपका सबसे पहला सिम्टम होता है। और क्रैम कैसा होता है? तो आपको जो है इम्प्लांटेशन क्रैम्प जो है आपके पेट के निचले हिस्से में, मतलब नाभि के निचले हिस्से में आपको होने वाला है, दाएं बाएं दोनों साइड हो सकता है आपको, या फिर एक साइड भी हो सकता है। तो आपको जो है क्रैम्प्स हल्की हल्की होगी, थोड़ा चुभन टाइप आपको लग सकता है, पेन हो सकता है, लेकिन ये पेन बिल्कुल भी सीवियर नहीं होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा कि आप जो है बर्दाश्त ना कर सके। और जी हाँ, पीरियड के क्रैम्प्स में और इम्प्लांटेशन के क्रैम्प्स में बहुत ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन क्रैम्प जो है आपके पीरियड मिस होने के एक हफ्ते पहले होता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन जो है आपके पीरियड मिस होने का जो डेट होता है उसके 1 वीक पहले ही होता है। तो अगर आपको ये जानना हो कि आपका पीरियड का जो क्रैम्पिंग और इम्प्लांटेशन का क्रैम्प में क्या फर्क है, तो ये एक फर्क है कि जो है आपका पीरियड का क्रैम्प आपको पीरियड आने के 1-2 दिन पहले या फिर पीरियड के दिन होता है पेन, बट इम्प्लांटेशन का क्रैम्प जो है आपको एक हफ्ते पहले ही होता है, और ये जो क्रैम्प्स इतना ज्यादा सीवियर नहीं होता है। नेक्स्ट आपका जो सिम्टम है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो इम्प्लांटेशन के टाइम ही जो है बहुत सारी लेडी को क्रैम्प्स के साथ साथ ब्लीडिंग भी होती है, बट ये जो ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होती है बहुत ज्यादा हल्की होती है, छोटे छोटे ड्रॉप जैसा होता है, स्पॉट जैसा होता है, बिल्कुल भी हैवी नहीं होता है जैसे आपको पीरियड आते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 1 या 2 दिन होने वाली है, या फिर एक ही बार होगी, छोटी छोटी ड्रॉप्स होंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पीरियड अलग होता है जिसमें आपको हैवी ब्लीडिंग होती है, लेकिन इम्प्लांटेशन में बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स जैसे आपको आते हैं। नेक्स्ट क्या है सिम्टम की, आपको ब्रेस्ट में पेन होता है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होता है, आपको अपना ब्रेस्ट जो हैवी लगने लग जाता है। जब आप ब्रेस्ट को टच करते हो तो आपको एक हैवीनेस फील होता है, ब्रेस्ट में एक पेन होता है, आपको ऐसा अलग सा डिफरेंट सा फील होता है कि एक टेंडरिंग जैसा होता है आपको। बहुत सारी महिलाओं को खुजली भी होती है, बहुत सारे महिलाओं को पेन होता है, हैवीनेस लगता है, डिपेंड करता है अलग अलग महिलाओं को क्या जो है किस तरीके का सिम्टम होता है। तो आपके ब्रेस्ट में भी बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, जो आपके पेट से रिलेटेड है, आपके पाचन तंत्र से रिलेटेड है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपके पाचन तंत्र में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, पाचन तंत्र में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो है आपके जो प्रेगनेंसी के हार्मोन बढ़ते हैं, हार्मोन्स में जो चेंज होता है, जो आपके प्रेगनेंसी में बनने वाले जो प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोन जब बढ़ने लग जाता है, जब बनने लग जाता है शरीर में, तो उसकी वजह से जो है आपके पाचन तंत्र पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, और आपको जो भी खाना खाते हो तो बराबर से पचता नहीं है, जिसके वजह से जो है आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी महिलाओं को जो है अर्ली प्रेगनेंसी में जो है बहुत ज्यादा पेट से रिलेटेड भी जो है तकलीफें होती हैं, उनका खाना हजम नहीं होता है, गैस का प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन का प्रॉब्लम। जी हाँ, आपने नोटिस किया होगा अगर आपकी प्रेगनेंसी में जो है अर्ली प्रेगनेंसी भी रहेगी तो क्या होता है कि आपको बार बार जो है यूरिन पास करने का मन करता है। ऐसा लगता है कि अभी तो आप जाके वॉशरूम यूज करके आए हो, लेकिन फिर जो है आपको यूरिन पास करने का मन करता है। तो ये भी जो है आपके अर्ली प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम आता है कि आपको बार बार जो है यूरिन पास करने का मन करता है, फ्रीक्वेंटली आपको बार बार जो है वॉशरूम जाने का मन करता है। तो ये भी बहुत बड़ा जो है आपका एक सिम्टम होता है।
नेक्स्ट क्या है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर में भी जो है बदलाव आता है। बॉडी का टेम्परेचर भी आपको लगेगा थोड़ा हाई है, आधी डिग्री जैसे आपको हाई लगेगा। अब जब मॉर्निंग में उठोगे तो आपको बॉडी जो है थोड़ा गर्म गर्म लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपको बुखार है, लेकिन नहीं, आपको फीवर नहीं होता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट क्या है कि मॉर्निंग सिकनेस। जी हाँ, प्रेगनेंसी का ये बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है आपके हार्मोनल में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, जिसके वजह से जो आपके मूड स्विंग्स होती है, आपके आपको मॉर्निंग सिकनेस आता है। जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो तो बहुत ज्यादा आपको डिजीनेस वाला फील होता है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, बहुत ज्यादा अलग ऑकवर्ड सा फील होता है, क्योंकि आपने ऐसा कभी भी जो है आपने नहीं फील किया है, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, ये बहुत ही अलग जो है आपको फील आता है। तो जिस वजह से जो है आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा हेडेक भी होने लग जाता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो ये भी जो है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सबसे बड़ा सिम्टम तो ये होता है कि आपका पीरियड मिस हो जाए। प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा सिम्टम माना जाता है कि आपका पीरियड मिस होना। तो पीरियड जब मिस हो जाता है उसके बाद ही जो है हम अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के सिम्टम जो है आपके पीरियड मिस होने के 1 वीक पहले से ही आ जाता है, जो मैंने आपको सिम्टम्स अभी बताए हैं। जी हाँ, जो प्रेगनेंसी जब आपका प्रेगनेंसी कन्फर्म इम्प्लांटेशन जब आपका होता है तो इम्प्लांटेशन के बाद ही जो है आपके बॉडी में एसजी का लेवल बढ़ने लग जाता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन के बाद ही जो है आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो सकती है, उसके बाद ही जो है आपको धीरे धीरे सिम्टम आने लग जाते हैं। जो दूसरे सिम्टम है जैसे कि उल्टी आना वगैरह, ये सब जो है कभी कभार बहुत सारी महिलाओं में अर्ली टाइम पे भी आते हैं, बहुत सारे महिलाओं में जो 1-2 महीने बाद आता है, तो जरूरी नहीं है कि सारे महिलाओं को जो है सेम जैसा ही सिम्टम आए। बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है कि जब भी कोई खाना बनता है तो उसका सुगंध भी उनको पसंद नहीं आता है, क्योंकि जो है उनको मतलब ऑलरेडी उनकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा डिजीनेस फील करती है, बहुत ज्यादा वीकनेस फील करती है, वो जो ऑलरेडी मेंटली भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, मेंटली भी उनको थोड़ा बहुत लगता है कि अलग ही फील कर रही है, जिसके वजह से जो है वो जब कोई खाना वगैरह बनता है तो उसका स्मेल भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो ये भी जो है प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारे सिम्टम समझ में आ गया हो, जो कि आपको पीरियड मिस होने के पहले ही आ सकते हैं, आप नोटिस कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो और बिल्कुल ध्यान रख रहे हो एक एक सिम्टम्स में, और यू आर वेटिंग कि आपकी पीरियड मिस हो जाए, तो उसके पहले ही जो है आपको ये छोटे 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 जो है सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जिससे आप कन्फर्म हो सकती है कि आपने जो है प्रेगनेंसी जो है कंसीव कर लिया है और आप जो है प्रेग्नेंट हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।